नमस्कार, यासर डॉट कॉम पर आप सभी का स्वागत है। साक्षात्कार संख्या 387/387। आज हमारे साथ हैं संदीप जी खरीटा, जो कि गुजरात से हैं और अपने गृह मंत्रालय में कार्यरत है। संदीप जी, साक्षात्कार समय निकालने बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल तो जैसा कि मेरी आदत है और हम शुरुआत करते हैं पारिवारिक परिचय से, तो बिल्कुल। अपने शब्दों में। मैं गुदड़वास का रहने वाला हूँ। मेरा नाम है संदीप खरिंटा जी। और फादर का नाम है दयानंद जी खरिंटा और मेरी मदर का नाम है कमला देवी। और अगर दादाजी की बात करें एक पीढ़ी नेक्स्ट, तो मेरे दादाजी का नाम है हनुमानाराम खरिंटा जी, और मेरी दादी जी का नाम है बनारसी देवी। बनारसी और देवी। अगर उससे भी एक हाँ पीढ़ी और हाँ आगे जरूर चले जरूर। तो अगर मेरे जो परदादा हैं उनका नाम था रामू राम जी और जो परदादी थी उनका नाम था गंगा देवी। ठीक। शादी हो गई? नहीं, शादी नहीं हुई अभी। अच्छा, बहन भाई कितने आप? तीन सिस्टर हैं और एक ही भाइयों में तीन सिस्टर हैं, जिसमें से बड़ी बड़ी सिस्टर हैं जो GNM है और नाम है सरिता। जी। उससे छोटी हैं, मतलब मेरे से बड़ी हैं और उनसे छोटी हैं, उनका नाम है ललिता। और उसके बाद में मैं हूँ और मेरा नाम संदीप भाई है। और उसके बाद में सबसे छोटी छोटी सिस्टर है रितु खरिंटा है उसका नाम। रितु। हाँ रितु। ननिहाल कौन सी जगह आपका? मेरा ननिहाल पड़ता है झुंझुनू जिले के बीबासर गांव में। बीबासर। नाना हाँ, नंद जी का नाम? नाना जी का नाम है अर्जुन राम डांगी और नानी जी का नाम तो याद भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, कई बार नहीं होता है। हाँ, अच्छा। वैसे मामा जी हैं वो प्रिंसिपल हैं, वो भी मतलब उधर से डांगी हैं। और यही है बस, ठीक है। नाना के उनसे आगे की पीढ़ियों का पता नहीं है, बाकी नाना जी तक का पता चलो है। कोई बात नहीं। शैक्षणिक पृष्ठभूमि? शैक्षणिक पृष्ठभूमि ये है कि मैं अभी पीजी हूँ। पीजी इसी पिछले ईयर में किया था वैसे, क्योंकि जब मैं फर्स्ट ईयर में था उसी टाइम पे मैं गवर्नमेंट सर्वेंट में सेलेक्ट हो गया था जी। और ज्वाइन कर लिया था। उस टाइम पे मैंने 5-6 एग्जाम एक साथ ही क्रैक किया था, जैसे SSC की किया था, जो GD की आई थी, उसके अलावा नेवी SSR किया था और NDA भी क्वालिफाई किया था। उसके बाद में मैंने ज्वाइन कर लिया था BSF में और उसके बाद ग्रेजुएशन जो मेरी हुई है वो पूरी प्राइवेट ही हुई है। और ठीक। उसके बाद जैसे मैंने पिछली बार PG किया है, हिस्ट्री से किया है PG, वैसे साइंस से था मैं, मैथमेटिक्स से, और मैथमेटिक्स की बुक वगैरह भी पब्लिश करता हूँ, राइटर हूँ वैसे। जी। बट बाद में क्या कि कंटिन्यूटी नहीं रह पाई और प्राइवेट कर रहा था, तो फिर मैंने हिस्ट्री से PG कर लिया क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था हिस्ट्री में। जी। तो पढ़ते समय प्रिय गुरु जी? प्रिय गुरु जी मेरे रहे हैं मोहम्मद जी शकील थे, फतेहपुर से, अभी आज़ाद स्कूल के प्रिंसिपल हैं अच्छा। फतेहपुर में, वो फिजिक्स पढ़ाया करते थे। उन्होंने मतलब बहुत सपोर्ट किया मेरे को और मोटिवेट करने का अगर श्रेय दिया जाता है तो मैं उन्हीं को दूंगा, उनकी जी। बदौलत मैं ऊपर जा पाया। तो प्रिय दोस्त? प्रिय दोस्त तो बहुत से हैं, एक नहीं है, क्योंकि प्रिय दोस्त की अगर बात करें तो दोस्त हमेशा टाइम टाइम के ऊपर होते हैं कि किस टाइम हमारी कंडीशन कैसी है, उस टाइम का घनिष्ठ मित्र, क्योंकि कंडीशन जो अपने काम आते हैं परिस्थितियों में उसी के, फ्रेंड सर्किल का मतलब ही वही है। और जो जो परिस्थितियों में हमारे साथ काम आते गए उस टाइम पे वो बेस्ट फ्रेंड रहे, उसके बाद थोड़ा बेस्ट फ्रेंड की मतलब लेकिन परिभाषा ही टाइम के अनुसार चेंज हो जाती मेरे है। हिसाब से दोस्त वही है जो परिस्थितियों में न बदले। नहीं, एक तो होता है कि मतलब सोच वो तो है कि वो तो एक फ्रेंड, वो फ्रेंड नहीं रहता फिर वो रिलेशन मतलब भाई जैसा हो जाता है। फिर अगर दोस्त की बात करें तो मेरा मानना है कि जो लंबे टाइम तक और लगातार बचपन से एक साथ हैं, वो लंगोटिया यार बोलते हैं उसको, वो तो फिर एक भाई का रोल निभाना शुरू कर देते अभिनय हैं। मित्र कहते हाँ, हैं। वो तो भाई की तरह, वो तो बहुत से हैं, वो भी जी। हैं। और बाकी अगर दोस्त की बात करें तो दोस्त फ्रेंड वो हैं कि परिस्थितियों में लगातार बनते रहते हैं। बट ये है कि मेरा रिलेशन आज तक कभी किसी से टूटा नहीं है, जो बचपन में थे वो भी फ्रेंड हैं, उसके बाद भी जुड़े, वो भी लगातार जुड़े हुए हैं, सब एक अच्छा सर्किल तो बना हुआ है। आपकी खेल में रुचि है? खेल में तो नहीं है, एथलेटिक्स वगैरह में है, योगा वगैरह कर लेता हूँ मैं, क्योंकि मैंने योगा के कोर्स वगैरह भी किए हैं, योगा में इंटरेस्ट रखता हूँ। तो साहित्य में रुचि है? हाँ, साहित्य तो मैं पढ़ता हूँ, नॉवेल्स वगैरह भी पढ़ता हूँ। कौन प्रिय आपको? साहित्य तो मैं अलग अलग पढ़ता हूँ, मैं एंटरप्रेन्योर के जो साहित्य हैं उन पे ज़्यादा फोकस करता हूँ कि एंटरप्रेन्योर कैसे कैसे काम कर सकते हैं, जो मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल जो स्टोरियाँ हैं उनको ज्यादा। हाँ उनको ज़्यादा मैं। ठीक है। तो कोई नृत्य वगैरह कोई आता है? कोई डांस डांस वगैरह डूंस तो आता नहीं आता है? है, वो राजस्थान में ब्रात वाला डांस तो आता है थोड़ा, बाकी कुछ भी नहीं आता। अच्छा, आपके कोई राजनीतिक आदर्श? राजनीतिक आदर्श नहीं है क्योंकि मैं राजनीति पे कभी फोकस ही नहीं किया। महापुरुष कोई जिससे आप ज्यादा प्रेरित हो? हाँ, महापुरुषों की तो मैं जीवनी में पढ़ता हूँ, जैसे विवेकानंद जी हैं और अब्दुल कलाम जी हैं। अब्दुल कलाम जी को वैसे मैं बहुत मतलब है, उनकी बुक्स वगैरह भी पढ़ता हूँ, उनके जो जीवनी है बायोग्राफी भी बहुत डीपली पढ़ता हूँ, उनके एक एक कोट्स पे फोकस करके देखता हूँ। जी। वो एक निर्विवाद हस्ती रहे हैं ना। बिल्कुल। तो समाज सेवा में रुचि है आपकी? हाँ, समाज सेवा में
मैं फुल इंटरेस्टेड हूँ। और समाज सेवा की बात करें तो मैं पिछले लगातार 4-5 सालों से इसी काम में लगा हुआ हूँ। जैसे शेखावटी में जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसमें YDC की क्लास में भी लेने के चलता हूँ, मोटिवेशनल मेरा समाज सेवा का पर्पज बट दूसरा है। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, किसी को सपोर्ट करते हैं, और मैं चाहता हूँ कि सपोर्ट नहीं करने की बजाय उनको इंडिपेंडेंट तैयार किया जाए। मतलब अभी भी जैसे मैं एक NGO रजिस्टर्ड करवाया है, उसका मेरा पर्पज ये है कि जो गरीब बंदे हैं उनको अपने ऊपर निर्भर किया जाए, उनको आत्मनिर्भर कैसे बनाया वो जाए। एक मैं कहावत है ना कि वो मछली देवमत मछली का शिकार करना हाँ सिखा शिकार दो। करना सिखा दो, मेरा यही टारगेट रहता है। जैसे इसके लिए मैंने एंड्रॉयड ऐप भी की। अभी जैसे मेरा यूट्यूब चैनल था स्मार्ट डिफेंस एकेडमी नाम से, उस पर पहले मेरा अभी नाम चेंज किया था, उसका नाम ये कर दिया स्मार्ट डिफेंस एकेडमी। पहले क्या कि मैं उसमें मोटिवेशनल वीडियोज डालता था, बट अब मैं चाहता हूँ कि लोगों को ट्रेनिंग मिले, क्योंकि फोर्स में जाएं तो उनको फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह या कुछ उनको फ्री में मिले ताकि कुछ वो सीख ठोस सकें। मोटिवेशन थोड़ी देर बाद में चाय पिए खत्म हो जाता है ना, हाँ नहीं बिल्कुल, ये चीजें हैं क्योंकि कुछ, वो तो एक दूध को उफाने जैसी क्रिया है। मोटिवेशनल क्या करता उसमें है, दूध को उफान निरंतरता सकता चाहिए, है। हाँ उसको अगर हम हिलाते रहेंगे तो वो खोआ बदल सानिध्य, जाएगा, हाँ सानिध्य और चाहिए। अगर नहीं हिलाएंगे तो वो बाहर निकल के वेस्टेज चला जाएगा। तो ये जो आपका है संगठन है जो क्या आपने NGO बताया, उस NGO का नाम क्या है? उसका नाम भी स्मार्ट ही रखा है हमने, अभी कुछ दिन पहले 1.5-2 महीने हुए हैं उसको रजिस्टर्ड करवाया तो और मैंने। कोई संगी साथी जुड़े हैं हाँ उसमें? फ्रेंड सर्किल है, क्योंकि उसमें तो कमेटी चाहिए, और पूरे फ्रेंड है मेरे साथ के बहुत से हैं, और मतलब यहाँ से स्टाफ के कुछ मेंबर हैं, कुछ बाहर से हैं। उसमें क्या है कि अदर स्टेट ऑल राजस्थान लेवल पे मैंने रजिस्टर्ड करवाया, तो 4-5 स्टेटों के डिस्ट्रिक्टों के बंदे हैं तो उसमें। ये कहें तो ये जो संस्थान है पूरा नाम क्या है संस्थान का? इसका है स्मार्ट डिफेंस अकेडमी चूरू, स्मार्ट डिफेंस एकेडमी चूरू। और एक ये जो ITI का ये क्या है? ये ITI मूंगी देवी कॉलेज है। अपना क्या है कि एक एजुकेशन ग्रुप है, संजय एजुकेशन ग्रुप मंडावा, जो संजय जी टैकल करते हैं, अंकल हैं मेरे, उनकी अपनी ब्रांच है जो नई पिछले कुछ 6 महीने में ही उभर के सामने आई, इसको शुरू किया है। पहले ITI मूंगी देवी कॉलेज चला करती थी, अभी ITI प्लस स्मार्ट डिफेंस अकेडमी यहाँ पे कार्यरत तो है। इसका क्या ढांचा है, कितना स्टाफ है, कितने विद्यार्थी हैं, और किस तरीके से आप उनको प्रवेश लेते हैं, और क्या उनका भाई अंतिम तक साथ देते हैं कि भाई हाँ इतना हो जाएगा तो हम यहाँ साथ देंगे, ऐसा कुछ प्रक्रिया है? बिल्कुल ऐसी प्रक्रिया है। यहाँ का हमारा जो डिफेंस का जो पर्पज है वो ये, क्योंकि मैं खुद डिफेंस से हूँ, और जो यहाँ पे लगभग टीम है, जैसे कुछ टीचर भी ऐसे हैं, आपको जान के अफसोस होगा, बहुत से सोचते हैं कि ऐसे थोड़ी होता है कि जॉब छोड़ के सिर्फ पर्टिकुलर इसी सेक्टर में घुसे हैं, जैसे एयरफोर्स से हैं, कुछ नेवी से हैं, छोड़ के आ गए, और उनका पर्पज भी, क्योंकि मेरे पास जो टीम है वो वही टीम है जिन्हें ये तय किया था, मतलब फोर्स ज्वाइन करने के बाद में, कि मैं फोर्स में हूँ, अगर छोड़ के जा रहा हूँ तो इस बेस पे जा रहा हूँ कि मैं कई फोर्स के यानी मेरे देश के लिए कई जवान और तैयार कर सकता और हूँ, क्या और पूरी समर्पित डेडिकेटेड है। जैसे इंस्ट्रक्टर हैं हमारे, वो भी XI ग्रेड इंस्ट्रक्टर हैं, पूना ट्रेनिंग सेंटर से हैं। और यहाँ का जो शेड्यूल है वो है कि जब हम एडमिशन लेते हैं मिनिमम 3 महीने के लिए तो लेते लेते हैं, इससे कम नीचे कोई एडमिशन नहीं लेता हाँ, है। हमें नाम खराब करने क्या फायदा है? हाँ, और दूसरी बात ये कि रिजल्ट नहीं आ सकता, हम सोचें कि एक दिन में रिजल्ट आ जाए, इम्पॉसिबल है, क्योंकि पसीना बहाना पड़ेगा, कोई सीधा जुगाड़ तो है नहीं कि ना 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 हम ना कुछ घोल के ना पिला दें, कुछ ऐसा हो ना, जाए। थोड़ा समय तपस्या, लगता है। हाँ तपस्या करनी पड़ेगी। यहाँ पे अपना पर्सनल खुद का स्टेडियम है, ये नहीं है कि हम किसी रोड पे भगाते हैं, बगल में अपना खुद का पर्सनल स्टेडियम है, ग्राउंड है, ट्रैक है, जिसके वीडियोज हम डालते रहते हैं। और इसके साथ साथ में जैसे हॉस्टल है उस पर भी हमारा फोकस है, कि भी एक मैंने समस्या देखी, क्योंकि मैं बचपन से बाहर ही रहा हूँ, सबसे बड़ी समस्या आती है हॉस्टल में खाने की। हमारा पर्टिकुलर फोकस रहता उससे है, पैसे बचाते हैं, पानी दाल में हाँ वगैरह देखा हाँ मैं। इतनी बुरी हालत रहती है खाने की। इवन मैं इस बात को गर्व से बोल सकता हूँ कि मैं फोर्स में भी देखा, फोर्स के एक लंगर से भी बेहतर हमारा खाना होना है। भी चाहिए। और हमने ये शेड्यूल कर रखा है कि पेरेंट्स कब भी आए, इवन पेरेंट्स डायरेक्ट आकर के, वहाँ पे एक रजिस्टर रखा हुआ है, उनमें आकर के खाना खा सकते हैं, टेस्ट करके वो लिख सकते हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, बुरा या अच्छा जो भी है वो लिख सकते हैं, तो कोई भी पेरेंट्स आके चेक कर सकते हैं। इवन खाने पर मेरा पर्टिकुलर फोकस है, और तैयारी पे हमारा यहाँ का जो फोकस है वो सिर्फ खाने पे और तैयारी पे, मतलब फिजिकल पे, रिटर्न भाई पे, और रहने की हाँ, व्यवस्था सीधी पे। सी बात है, शरीर स्वस्थ, शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क वाली बात है ना। बिल्कुल बिल्कुल वही है। और फिर बात फोर्स की है तो फिट तो होना जरूरी है, क्योंकि ये एग्जाम, तो अगर एग्जाम क्रैक कर लेंगे तो फिजिकल नहीं होगा, फिर कोई फायदा नहीं, फेल तो फेल है, किसी एक स्टेज में हो या किसी में भी हो। मजा क्या, सवाल पूछ लूँ बीच हाँ में, बिल्कुल बिल्कुल पूछिए लेसवा भाई। खिलाया बच्चों को कभी? लेसवा तो नहीं खेला, लेसवा ही तो लेसवा उसकी सब्जी सुना मैंने आपसे, लेसवा कौन सा गेम होता है? लेसवा एक वो होता है ना, चिकना चिकना हाँ वो होता तो है देखा है, लेसवा ना, तो होता सब्जी है, बनती है, ठीक हाँ बिल्कुल बनती है, है। बहुत अच्छी होती है। मैं तो मजाक ही बात कर रहा गेम नहीं देखा था फिर ऐसा। मैं, गेम नहीं, लेसवा खिलाया गया मैंने, ऐसा हाँ लेसवे तो वैसे खिलाए हैं, क्योंकि यहाँ पे लगे हुए हैं हमारे ग्राउंड में, जो पीछे गार्डन है ना उसमें कहा लेसवे के 3-4 पेड़ हैं, तो वो अच्छा तो खाते हैं। बस खेल का नाम नहीं नहीं है मैंने सोचा खेल। ना। अच्छा, तो आपका वर्तमान जो कार्य है वो क्या है?
अभी वैसे मैं होम मिनिस्ट्री में हूँ, गृह मंत्रालय में, और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में, जैसे वायरलेस सेट वगैरह होते हैं ना, जैसे जामर वगैरह हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन है, क्योंकि देश है वो अपना खुद पे डिपेंड रहता है, फोर्स वगैरह है वो पूरी, क्योंकि कल को अगर कुछ वार हो या तो ये प्राइवेट कंपनियां धोखा दे देंगी, तो पूरा अपना खुद का कम्युनिकेशन होता है, उसी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में मैं अभी हूँ। और दूसरा अगर साइड की बात करें तो मतलब वो तो एक गवर्नमेंट जॉब है, उसके बाद में वैसे मैं काफी समय पे छुट्टी से हूँ, एजुकेशन लीव पे। तो आपकी दिनचर्या कैसे है, कितने बजे उठते हैं आप? मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ। जैसे कि कई आलस होते हैं मेरे, जैसे कभी 4 बजे उठ गए, कभी 6 बजे उठ गए, नियमितता नहीं है। नहीं, मैं डेली 5 बजे उठता हूँ। 5 बजे उठने के बाद में मैं या तो कंप्यूटर पे लग जाता हूँ अगर थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, नहीं तो फिर पीटीआई जी के साथ ग्राउंड में जाता हूँ डेली। अच्छा हाँ, एक चीज़ भूल गया मैं, आपको फिल्मों में रुचि है ना, फिल्मों की रुचि थोड़ी नहीं है, बहुत, बचपन में बहुत थी। तो कौन सी फिल्म प्रिय लगी आपको? बचपन में तो मैं जैसे मिथुन की, सनी देओल की, इनके जो पुराने एक्टर थे, बहुत देखता कोई एक था। फिल्म जो अच्छी लगी ज्यादा? एक फिल्म की अगर बात करें तो वैसे तो मेरे को जो अभी वर्तमान की मूवियों की बात करें ना, तो उनके अंदर तो जैसे सुल्तान आई थी, दंगल आई थी। हाँ, थोड़ी वो हाँ, प्रेरणादायक थी, है क्योंकि ना। मैंने बताया ना कि मैं इंस्पिरेशनल स्टोरी पढ़ता हूँ, मैं तो ऑलरेडी नायक कौन सा मोटिवेट अच्छा हूँ। लगता है आपको? नायक तो अगर बात करें तो जैसे मेरे को ज्यादा मूवी अच्छी लगती है आमिर खान की, आमिर क्योंकि खान आमिर की। खान की जो मूवी आती है वो इंस्पिरेशनल मूवी आती और है। हीरोइन नायिका नायिका तो ज्यादा तो मैं नहीं जानता हूँ, बट एक आनी। क्योंकि हाँ जैसे कैटरीना हाँ है, हाँ और पुरानियों और में पुरानियों में तो काजोल वगैरह, ये पुराने टाइम पर तो बहुत देखता था, और काजोल अच्छी लगती थी नहीं, उस काजोल टाइम। ज्यादा पुरानी नहीं है, मतलब उससे पहले जो। मेरे टाइम की तो है ही है, मेरे टाइम में अच्छा वही रहे हैं। ऐसा है कि हम एक पीढ़ी पीछे देखते हैं, हाँ, एक पीढ़ी हमारे पीछे, पिताजी और उसकी वो न्यूरॉन को देते थे उनके दादा के जमाने में, ठीक मतलब है। वो हम तो देखते हैं अपने पिता के टाइम की, ठीक है ना, बिल्कुल एक पीढ़ी बिल्कुल, पीछे ही देखते हैं बराबर, और बाद में तो देखने देखना बाद में होता। तो देखें। बट ये मूवियाँ पुरानी वाली तो हमारे टाइम की, आपको लगता है कि पुरानी नहीं है, नहीं है, हमें वो पुरानी लगती एक है। जो नया होता है जैसे रंगरूट शब्द है, मतलब कि जो, बिल्कुल, फौज हाँ में बहुत हाँ यूज होता है रिक्रूट। या कह दीजिए ट्रेनी कह दीजिए, रुकी कह हाँ, दीजिए, ट्रेनीज, बिल्कुल। तो वो उसके लिए क्या होता है, हम देखते हैं कि वो 2-3 साल फौज में रहता है, शरीर बन के आता है उसका ना, ऐसा बिल्कुल ये अपने बाहर क्यों नहीं बन पाता है, बनता है, यहाँ भी बनता है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ होता पे क्या है कि थोड़ा सा एक चीज होती है, अगर हम शरीर के ऊपर फोकस है? करें तो अपने जो लोग हैं ना वो क्या करते हैं, राजस्थान में मैंने खास तौर पे देखा है कि अपने शरीर पे या अपने ऊपर खर्च नहीं करना चाहते बिल्कुल भी। और अदर जगह पे जहाँ पे देखेंगे या फॉरेनर, उनकी बॉडी देखे वो फिट है, क्योंकि वो अपने ऊपर खर्च करते हैं। यहाँ पे पर्टिकुलर क्या होगा, बंदे को जैसे मैं खुद बोलता हूँ, हॉस्टल में बंदे आते हैं, मेरा खाना इवन है, बट फिर भी मैं मतलब फिजिकल एक्सरसाइज है वो थोड़ी हार्ड होती है आर्मी के हमारे लिए। यहाँ क्या है कि खाना होते ही फिर भी हम क्या करते हैं, भात छुट के जो है वो उनको पूरा करना होता है, कभी खर्चा आ गया, कभी जो शादी आ गई, तो हमें जो अनावश्यक खर्चे नहीं है, मतलब वो बिल्कुल आवश्यक कह लेंगे बिल्कुल, अनावश्यक ही है, उन पे ज़्यादा खर्च होता है, घर में पैसे नहीं होते, लेकिन फिर भी हम जो है, अच्छा कई भी तरह की धार्मिक यात्रा भी करते हैं, ठीक बिल्कुल, है, फायदा हो ना हो लेकिन हमारा पैसा तो चला पैसा तो गया, चला गया। है ना। नहीं, यहाँ पे एक चीज देखिए, राजस्थान में देखना, एक टाइम सब्जी बनाएंगे, दोनों टाइम उसी से काम निकालने की कोशिश करेंगे। मतलब ये कि ऐसी जगह पे वेस्टेज कर देंगे, जैसे किसी की शादी में गए या कोई परिवार में कोई आ गया या लेडीज आ गई, तो उसको कपड़े वगैरह देना वो दे देंगे, बट सब्जी एक टाइम खा के काम निकालेंगे। कोशिश मतलब वो किसके ऊपर खर्च हो रहा है, खुद के ऊपर, वहां पे बिल्कुल भी खर्च करने की तभी मेरी कोशिश नहीं जैसी बॉडी है करेंगे। ना, अधिकांश टाइम मिल जाएगी नहीं, वो आपको। राजस्थान में लगभग सभी जगह मिलती है, क्योंकि लोग खर्च नहीं करते, ये रियलिटी है। तो फिर स्वस्थ जीवन की क्या अवधारणा है, स्वस्थ जीवन कैसे जिया जाए? स्वस्थ जीवन जीने की अगर बात करें तो जैसे मैं योगी हूँ और कोर्स किए हैं इसमें, बट एक ही चीज़ है, कंटिन्यूटी किसी चीज़ को रखो, कोई भी दिक्कत नहीं है, लगातार बट काम करो। अपना शेड्यूल बिगड़ जाता है, एक दिन हम दोपहर में खाना 12 बजे खाते हैं, एक दिन 3 बजे, एक दिन विवेकानंद ग्यारह जी ने कहा बजे था ना कि तब तक लगे विश्राम रहो न जब करो जब तक, तक कि अपना लक्ष्य नहीं हाँ, मिल लक्ष्य को जाए। प्राप्त ना हो जाए। तो कंटिन्यूटी है ना, अगर किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो आपके मतलब सक्सेस में हो लाइफ की या तो जीने में। आपके थोड़े चेहरे पे तेज है, वाणी में हो जाए, तो ये किसकी देन है, वो फौज वाली ट्रेनिंग की देन है कि जैसे कि, या जैसे अभी जो काम कर रहे हैं उसकी देन है कि नियमितता की देन है कि योग की देन है, किसकी है ये क्या? तो लगातार कंटिन्यूटी है कि लगातार मैं करता ही रहता हूँ, मेरा पूरा टाइम है वो ज्यादातर कि इसी में बीतता है, स्टूडेंटों के, यूथ के बीच तो में। चलिए फिर एक जो है वो अनुमान वाला सवाल पूछ लेते हैं, आपको दुल्हन कैसे चाहिए, दुल्हन की बात करें, वो है कि जो मेरे को समझ सके, समझ सके? हाँ, मतलब समझने का मतलब ये है कि सबसे बड़ी अगर बात बताऊं मैं तो ये दिल की बात है, और दुल्हन वही जब ये, पिया मन भाए, है ना। हाँ बिल्कुल, ये राज खोलने वाली बात है। आपको एक बात बता देता हूँ कि मैं राजस्थान में
इसी शेखावाटी में पैदा हूँ, यहीं बड़ा हूँ, बट यहाँ के लोगों की मेरे को एक चीज अच्छी नहीं लगती है, वो ये है कि जब अपना ही बंदा अगर ग्रोथ करने की कोशिश करता ना तो अपने लोगों को सिक्योरिटी चाहिए, और ये जायज भी है। मतलब माँ बाप होंगे ना, वो भी चाहेंगे कि मेरा बेटा सिक्योर एक सोने के पिंजरे में बंद हो, और बेटा चाहता है कि मैं खुले आसमान में उड़ूं। तो फिर अगर लड़कों की हालत है तो लड़कियों की तो पूछो मत बात। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लड़कियों को भी उतनी इस फील्ड में नहीं है, इस फील्ड में कि लड़का चाहता है कोशिश ज्यादा आना, लड़कियों को छूट मिल जाती है, और लड़कों को आजकल उल्टा हो गया थोड़ा, लड़कियों को छूट मिल जाए, लड़कों को इसलिए नहीं मिल रही, जैसे मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक खुद का एम्पायर खड़ा करूँ और एंटरप्रेन्योर राजस्थान में इतने पैदा करूँ कि हर एक गांव से कम 2-4-5 बिजनेसमैन, और हम इतने अपने ऊपर डिपेंड हो जाएं कि किसी, हम बोलते हैं कि चाइना का बहिष्कार करो, भाई क्यों करो, जरूरी नहीं, हम अपना इतना डेवलप कर दो ना कि उनसे सस्ती चीजें हम दे सकेंगे, अपने बहिष्कार हो जाएगा, किसी का बहिष्कार करने से नहीं होगा, हमें काम करने की जरूरत है, और वो काम अगर हम करें ना तो हमारे जो लोग है ना वो ये चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा तो हो पर मेरे घर में दूसरे के घर में पैदा। और ये बिजनेस में होता है, एंटरप्रेन्योर में भी होता है, सरकारी नौकरी सबको चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में ना जाए, मतलब। और मेरी जो थिंकिंग है वो एक लाइनर थिंकिंग ना हो, कि मैं सोचता हूँ कि रास्ते निकले, कुछ भी करें, एक नहीं हजारों काम हम ऐसे सेटअप कर लें जिससे हम, मतलब, लोगों को भी फायदा मिल सके। मतलब ये भगत सिंह वाली बात मैं बहुत लोगों में बताता हूँ, बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन लोग सोचते हैं यार। और एक चीज ये है ना कि मेरा मानना ये है कि बड़ा नौकर बनने से बेहतर है कि छोटा मालिक बन जाए। कुरान जब मैंने कहावत थी कि उत्तम कृषि मध्य व्यापार नीच नौकरी, ठीक है, अब क्या हो गया, उत्तम नौकरी होगी, खेती सबसे घटिया होगी, बिल्कुल, लेकिन मेरा मानना है कि दोनों बातें गलत है, सबसे अच्छा होता है व्यवसाय, बिल्कुल, व्यवसाय तो है, इस बात को मैंने बहुत करीब से देखा, मैं दोनों फील्ड में गया हूँ, नौकरी में भी और इसमें भी, बट मैं इसीलिए बोलता हूँ कि बड़े नौकर से बेहतर है छोटा मालिक बन जाए, और मैं चाहता हूँ कि दुल्हन इसीलिए कि ऐसी हो जो मेरी भावनाओं को समझ सके, मतलब इस चीज में सपोर्ट कर सके। तो इसके लिए कैसे तलाश जारी है, परिवार वाले कर रहे हैं कि ऑनलाइन कर रहे हैं कि अपने दोस्तों के थ्रू कर रहे हैं, कैसे, पुराने जानकार टटोल रहे हैं? पुराने जानकार टंटोलने की जरूरत ही नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि वैसे भी जाटों में आपको पता है कि नौकरी लगता है तो शादी होती तो, बट मैं चाहता हूँ कि मेरी भावनाओं को समझ सके, जिस दिन होगा वो। चलो तीन शब्द उनको नए तरीके से परिभाषित करते हैं, तंत्र मंत्र यंत्र। तंत्र का मतलब कि जैसे कि चीजों की जुगाड़ से कोई काम कर देना, बिल्कुल, जैसे मंत्र शामिल हो या ना जरूरी नहीं है। मंत्र एक शब्द होता है जो विशेष ऊर्जा में जो गुंथा हुआ होता है, ठीक है, उसके आवृत्ति से कार्य सिद्ध होते हैं। यंत्र होता है जो चीज सही से गुड़िया बनाती है, वगैरह बनाती है, पुतले बनाती है, यंत्र हो गए ना, पुराने जमाने बता रहा हूँ। अब तंत्र मंत्र यंत्र को आपको नए जमाने से परिभाषित कर सकते हैं, जैसे आपके आपके चीज जो ये है संस्थान, इसके साथ बिल्कुल संस्थान की अगर बात करें तो आपका तंत्र कैसा होना चाहिए, आपको क्या मंत्र है, क्या प्रणाली, आप यंत्र का मतलब ये हो? भाई तंत्र का तो हमारा मतलब ये है कि पहला जो सिस्टम है कि वो सिस्टम होना चाहिए, अगर किसी चीज को कर रहे हैं तो उनके लिए पूरे तंत्र, मतलब इक्विपमेंट है वो अपने पूरे सही होने चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि मेरे को 6 महीने में बट ग्राउंड खुद का हुआ है, इंस्टीट्यूट में भी हर एक चीज, मेज का अपना डाइनिंग हॉल है वो अलग से होगा, मेरा जितना बड़ा डाइनिंग हॉल है उतने में लोग अकेडमियां चलाते हैं, आप देखा पीछे गार्डन भी है, मतलब वो एक तंत्र है वो पहले मैंने सेट किया, ठीक है। दूसरी बात है मंत्र की, तो मंत्र में दूसरी चीजें आती है कि हम किस चीजों का यूटिलाइज करें, जो चीज है मतलब उनको ज्ञान देने वाले के हैं, जो ट्रेनर है वो किस हिसाब से है, और कंटिन्यूटी, मेरा ये मानना है जिंदगी में अगर कंटिन्यूटी से कोई काम करोगे टाइम लग सकता है, सफलता खुद ब खुद कदम चूमेगी, ठीक है। यंत्र, यंत्र का मतलब से कि लोग गाड़ियां भी लगाते हैं, लोग जो है सुविधा देते हैं ना, गर्मी में जो है वो होते हैं, इन सुविधाओं की बजाय मैं बोलता हूँ कि जो यहाँ का जो तंत्र है उसमें सेट कर दिया, बाहर की सुविधा नहीं देना चाहता, वो छीनता हूँ मैं लोगों की, जैसे कोई छुट्टी जाए मैं छुट्टी नहीं देता हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि जब ट्रेनिंग शुरू हो रही है एक दिन छुट्टी जाने के मतलब 3-4 दिन खत्म हो जाते हैं, तो मैं तो उनकी सुविधाएं और टाइम छीनता हूँ उनसे। आपके सपने तो अच्छे हैं और आपके जो भावनाएं भी बड़ी पवित्र हैं, ठीक है, और चाहते भी हैं कि आप अपने क्षेत्र का भला करें, जैसे हमारा सीकर आगे जा रहा है तो आप भी चूरू को इसी लोगों को देखा देखी आए, ठीक है, बिल्कुल। तो अपने सीकर जैसे आप बोल रहे हो हमारा सीकर, सीकर तो मेरा भी, बट मैं चाहता हूँ कि सीकर से बेहतर, इस बात के मैं आपसे आज प्रोमिस कर रहा हूँ, और जो सीकर इंस्टीट्यूट के पर्पज से जाना जाता है, विद इन कुछ दिनों बाद चूरू में सीकर के ऑडियंस, आज भी मेरे पास सीकर के नजदीक के बहुत से स्टूडेंट है, और मैं आपसे प्रोमिस करता हूँ जल्दी देखना कि सीकर से ज्यादा फोर्स के मामले में, डिफेंस के मामले में हमारे पास स्टूडेंट होंगे। चलो अच्छी बात है, अग्रिम शुभकामनाएं, और अपने बच्चों के नाम दो संदेश। बच्चों के नाम से संदेश यही है कि अगर सक्सेस होना है, सपना किसी दूसरे का ना लें, घर वाले हो सकता है कि आप, क्योंकि अगर आपको सक्सेस होना है तो परिस्थितियां आपके अनुकूल कभी नहीं हो सकती, और हम चाहते हैं कि मैं जैसे सोचूं घर वाले भी वैसे सोचें, कभी नहीं सोचेंगे, सब एकदम विपरीत होगा। पर्टिकुलर जो आपका खुद का सपना है, घर वालों के सपने पे मत जाओ बिल्कुल भी, खुद के सपने के ऊपर आओ, जीवो, लड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, घर वालों से जंग करनी पड़े करो, मेरे को पता है कुछ दिन गालियां सुनने को मिलेंगी, गुस्सा भी होगा, बट लोग सक्सेस के आगे सर झुका दें, जिस दिन आप सेटल्ड हो तो वही जो लोग आपका विरोध कर रहे हैं वो बोलेंगे हमें तो पता ही था।
ये एक दिन करेगा। तो आप सिर्फ अपने सपने के लिए जो कुछ कर सकते हो, जो बाजी लगा सकते हो लगा दो, और मैं उनके लिए हर वक्त तैयार हूँ। अगर कोई भी स्टूडेंट है ना, रात को 2 बजे भी अगर मेरे को कॉल करके बोले कि सर मैं इस फील्ड में जाता हूँ, मतलब अपना एम्पायर खड़ा करना चाहता हूँ या खुद का मेरा सपना है वो जीना चाहता हूँ, उसमें मेरी दिक्कत है, तो मैं ऑलरेडी सेशन यूथ में भी इसी बात का करता हूँ, तो मैं उनके लिए तैयार हूँ। मेरे से जितना हो सकता है भी, मैं सहायता किसी की नहीं कर सकता, और बट गाइड कर सकता हूँ जो मेरे को पता है, जो एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ, और एक्सपीरियंस ही शेयर करना वो है कि जाने या अनजाने में किसी को सपोर्ट। अच्छा, एक चीज़ देखी मैंने कि जैसे याद आ गया दिमाग में कि खेल करवाते हैं, तो खेल में क्या होता है कि थोड़ा तकनीक, मतलब जैसे पहले वो चक्का या भाला फेंकते थे, बिल्कुल, तो उसका एक उसकी लिमिट थी कि भाई इतनी दूर फेंक सकते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड उतना ही था। फिर एक लड़का आया, उसने स्पेशल तरीके से फेंकना शुरू किया, तो जो जो रिकॉर्ड उन्होंने बनाया था वो उसके लिए मिनिमम था। उसके बाद में जैसे घूम के फेंकते ना आजकल, वो बिल्कुल पहले सीधा फेंकते थे, तो उससे वो थोड़ी लिमिट थी। जब उसने घूम के फेंकना शुरू किया ना, तो जो जो रिकॉर्ड उन लोगों ने बनाया था वो मिनिमम हो गया, उससे तो काफी आगे निकल गए लोग। तो इसी तरह क्या होता है कि खेल में भी तकनीक का थोड़ा फर्क पड़ता है, अलग अलग तरीके से उसको तैयार किया जाता है खिलाड़ियों को, तो या फिर जैसे कि आजकल जैसे कि कंप्यूटर वगैरह है, LED में लोगों के परफॉर्मेंस दिखाते हैं, लोगों के आंकड़े दिखाते हैं वगैरह वगैरह करते हैं ना खेल का, तो ऐसा कुछ आप भी? बिल्कुल, हम टेक्निक का यूज़ करते हैं। जैसे मैं पर्टिकुलर मेरी बात करूं तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेके चलता हूं मैं, और क्या कि फोर्स में जो जाने वाले हैं उनके सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैथ्स की होती है, और मैथ्स में मेरे एक भी स्टूडेंट का एक भी नंबर नहीं करने दूंगा। और यूनिट क्या होता है कि लोगों ने जैसे यूनिटों को बांधा, जैसे टेक्निक की बात करें अपन, जैसे अनुपात समानुपात एक यूनिट है, फिर परसेंटेज है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस है, इन अलग अलग यूनिटों में बांट दिया, और मैं एक ही तरीका बताता हूँ जिससे पूरी यूनिटें आपस में कवर हो जाए। मतलब वो एक टेक्निक है कि हम ज़्यादा दिन की बजाय शॉर्ट एंड स्वीट कर लें, और एक ही तरीके से कम एक तरीके से मिनिमम 5 यूनिट कवर कर लेता हूं मैं। और स्टूडेंट अगर एक तरीके से 5 यूनिट कवर करे तो जाहिर सी बात है कि कितना भी डीपली आप पढ़ा दो, उससे तो बेहतर है कि वो एक में 5 कर रहा है तो वो कभी भी उसको पकड़ नहीं सकता कोई। सारी बातें आ गई, एक छोटी सी रह गई कि जेब में कितना पैसा लेके आया स्टूडेंट। हाँ, स्टूडेंट मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट का कोई ज्यादा खर्च ना हो। मेरी वैसे फीस है वो 7,000 रुपये मंथली है आर्मी वालों के लिए, और एयरफोर्स नेवी के लिए 10,000 रुपये मंथली है, बट मैंने मिनिमम चार्ज रखा है ये कि जो लो फैमिली से स्टूडेंट बिलोंग करते हैं वो भी मतलब पढ़ सकें। बट फिर भी लोग बोलेंगे कि यार 7,000 रुपये कौन से कम है, लोग तो 5 में भी पढ़ाते हैं। बट मैंने आपको पहले बताया था कि मेरा फोकस है वो इस बात पे कि खुद पे इन्वेस्ट किया जाए। मैं कम से कम मेरी 4,000 से अब मैं कटिंग जाती है, और मेरा वही फोकस है कि घर वाले ऐसे तो उनको खाने के लिए कुछ देंगे नहीं, तो इससे बेहतर है कि उनसे 7,000 फीस ली जाए तो उनके ऊपर इन्वेस्ट किया जाए। 7,000 फिर वो लड़का यहीं रहता है? हाँ बिल्कुल, हॉस्टल वोस्टल पूरी सुविधा होने की है यहाँ पे, जैसे फ्रूट है, दूध है, हर चीज़ पूरी सुविधा हमारी जिम्मेदारी बन जाती है उसकी। ऐसा नहीं कि उन पैसों में से खाने लगे, नहीं, नहीं, वो सिस्टम नहीं है। वो सिस्टम ही लोग करते हैं कि भाई इसमें से बचाना, वही चीज है हमारा पर्टिकुलर, वही फोकस है कि उनके ऊपर इन्वेस्ट कर दिया जाए, क्योंकि पैसे अच्छा, कमाने से नहीं, रिजल्ट से अपने। कई लड़के जैसे थोड़े गरीब हैं, मेधावी हैं, लेकिन चलो 7,000 भी नहीं कर सकते, तो कई के संस्थान क्या करते हैं, कोई छात्रवृत्ति जैसे कि वो छूट वगैरह की स्कीम चलाते हैं, तो ऐसी कोई योजना है? ऐसी योजना ना कि मैंने बताया ना आपको, कुछ दिन पहले मैंने NGO रजिस्टर करवाया है, उसका मेरा पर्पज ये है कि मैं हर महीने लगातार 50 बंदे को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊं। अभी मतलब रजिस्टर्ड हो चुका है, जल्दी मैक्सिमम महीना या 1.5 महीने के अंदर अंदर ये मैं टाइम भी दे दूंगा कि एक भर्ती कराऊंगा जिसमें, बट उसी स्टूडेंट को लूंगा जो रियल में इंटेलिजेंट होंगे, और जिनके पास मतलब इंटेलिजेंट का मतलब है कि जुनून और जिद हो। इंटेलिजेंट किसी मतलब IQ से टेस्ट नहीं करता मैं, जिद और जुनून से करता हूँ, जिसमें कुछ करने की जिद है वो बोलेगा कि मैं जाना ही चाहता हूं। देखते हैं कि 8-10 में जो होशियार होते हैं वो कॉलेज में कमजोर हो जाते हैं, और जो कॉलेज में कमजोर होते हैं वो क्या होशियार होते हैं, वो क्या करते हैं, नौकरी पहले पकड़ लेते हैं, तो पता नहीं चलता कौन कब होशियार है कब कमजोर है। नहीं नहीं, ये होशियार और कमजोर की गणित है ना, ये हम लोग सर्टिफिकेट बांटते हैं ना, ये गलत है। सबसे बड़ी समस्या है कि घर वाले है ना, एक आज तक मैंने किसी को सुना ही नहीं कि 8वीं तक कोई बंदा कमजोर था, और 8वीं के बाद, क्योंकि उसकी फील्ड का इंटरेस्ट नहीं है। मैंने बताया ना अपनी मर्जी से काम करो, घर वाले फोर्स करते हैं बेटा साइंस ले ले, उसका बेटा इंजीनियर बन गया, अब साइंस ले ली, अब बेटे का दिल ही नहीं कर रहा साइंस लेने का, वो तो हो सकता है कि आर्ट्स में इंटरेस्ट। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा जो क्लास में बैठे बैठे गणित के पीरियड में बड़ा सुंदर चित्र बनाते रहते हैं, अध्यापक आता है तो थप्पड़ मारता है उसके, ठीक है, तो वो चित्रकला उसकी वहीं में रह जाती है। सबसे बड़ा तो एजुकेशन सिस्टम है ना, मैं इसको दोष देता हूँ और अपनी गवर्नमेंट को, क्योंकि जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो ऐसा बना दिया कि उसमें चाहिए परसेंट और मेरिट, ठीक है, जिसके मेरिट आ रही है वो ठीक है, नहीं तो बेचारा कमजोर। तो बात चली निकली तो थोड़ी सी सुधार की बातें कर लें। बिल्कुल, तो एजुकेशन में तो क्या सुधार होना चाहिए, और शादियां जो है ना वो शाही खर्च हो रहा है अपने यहाँ। बिल्कुल, पहले छूचक खत्म हो गया था लगभग, अब तो छूचक तो शादी से ऊपर जा रहा है, शादी से ऊपर जा रहा है। तो ये जो शादी में जो शाही खर्च हो रहा है, वो एक जो DJ बजाते हैं ना, बिल्कुल, कई लोग तो DJ ऐसे बजाते हैं किसी को परेशान करना हो तो उसे घर के आगे बजाते हैं,
तो थोड़ा सुधार होना चाहिए ना। बिल्कुल, इन सिस्टम में दोनों ही सिस्टम है ना, उनमें सुधार होना चाहिए जो ये खर्च कर रहे हैं। मेरा ये मानना है अगर सामाजिक की बात की जाए, समाज और परिवार से, क्योंकि हम जुड़े हुए हैं, और जाहिर सी बात है कि शेखावाटी में है, राजस्थान से है, तो अपना कल्चर तो पर्टिकुलर वही है। बट मैं चाहता हूँ इस कल्चर में थोड़ा सा ये सुधार हो कि जो पारिवारिक जो चीज़ें हैं उनके ऊपर खर्च करने की बजाय है ना, मतलब पारिवारिक मतलब शादियों में जो खर्च हो रहा है उन पर खर्च ना हो, या जैसे एक आपने देखा होगा कि लेने देने की जो प्रथाएं हैं ना उनके चलते लोग मिलते नहीं है, मिलते नहीं है, कई बार कोई काम नहीं करवा सकते। हाँ, काम नहीं करो, वो एकदम फिनिश करके अगर खर्च करना है तो आप अपने जो आगे आने वाली पीढ़ी है, मतलब नई पीढ़ी है, स्टूडेंटों पे खर्च करो, और वो भी खर्च करो कुछ किस चीज़ों पे करो, सीखने पे। जैसे मान लो कि आपके पास ज़्यादा ही पैसा है तो 1.5 महीने की छुट्टियाँ होती हैं किसी, जैसे ताइक्वांडो या गेम या फिर योगा अकेडमियों में छोड़ दो उनको। हमारे यहाँ भाभियाँ ननदों को बुला नहीं सकती कई बार, कि उनके पास देने के लिए बेस नहीं होते। हाँ बिल्कुल, ये तो बड़ी, ये मैंने भी देखा है क्योंकि फील किया उस चीज़ को, ये बेस वाला चक्कर। बट मैं तो ये श्योर है कि शादी के बाद अगर मेरा कुछ वहाँ तक बस चलेगा, अभी तो चलती नहीं है ना, क्योंकि बड़े जब तक बैठे रहते हैं उनको बोल नहीं सकते ऐसी चीज़ें, बट जब मेरा टाइम आएगा तो मैं श्योर इस चीज़ को तो बिल्कुल बैन कर दूंगा मेरे ऊपर। हमारे यहाँ लोग हवन नहीं करवा सकते सामान्य, वो बोलेंगे हवन का मतलब होता है सब पूरे मोहल्ले को इकट्ठा करना, लाख दो लाख खर्च होता है। अरे हवन में कैसा खर्च होता है, घी उमड़ा होता है बस, घी उमड़ा होता है। चलो अच्छी बात है, धीरे धीरे सुधार तो हो रहा है, लोग आगे आ रहे हैं, कड़ी से कड़ी जुड़ती जाएगी, कड़ी से कड़ी देखो यूथ को आगे आना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात है, हमको आपको सब लोगों को आगे आना पड़ेगा, तब ही सॉल्यूशन हो सकता है, नहीं तो मैं बताया ना वही बात है लोग। अच्छा, युवा की, युवा की क्या पहचान है? युवा की पहचान वही है कि जो कुछ परिवर्तन कर सके, वो एज लिमिटेड नहीं है उसमें, जो कुछ नया करना चाहिए, जो इनोवेशन करना चाहिए, कि मैं कुछ जैसे किसी भी फील्ड में हो, चाहे समाज से हो तो समाज में कुछ नए सुधार कैसे हो सकते हैं, या मतलब बिजनेस हो तो बिजनेस। जैसे मैंने एक जगह पढ़ा था 98 साल के बूढ़े ने जो उसमें ब्लैक बेल्ट लिया था कराटे में, तो कहने मतलब कि वो यूथ है, आत्मा जवान होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल, मैंने कहा ना कि इनोवेशन और मतलब काम करने की नयापन काम में और विचारों में होना चाहिए, अलग होना चाहिए। हाँ, बुढ़ा और जवान आदमी और थकता भी और मतलब जोश भी, हर एक चीज दिमाग से है, पूरा गेम मेंटली गेम है ये। अगर मेंटली गेम समझ गए तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो, किसी भी एज में कर सकते हो। जी जी, और एक नेतृत्व जो करता है वो क्या होता है कि थके हारे सैनिकों को भी जोश से भर देता है। बिल्कुल भर देता है, हिटलर को देख लीजिए कि यह पूरे एक छत्र पूरे यूरोप पे राज कर लिया था, नेपोलियन को देख लीजिए, नेपोलियन को, बोनापार्ट ने तो पूरे, सुभाष चंद्र बोस जी को देख लो, बहुत से ऐसे लीडर हुए हैं। लीडर नेतृत्व सबसे बड़ी चीज है, तो वर्तमान जो नेतृत्व है उसमें कोई जो अपने जो राजनेता समझ लीजिए नेतृत्व हुए हैं उनमें कोई लगता है आपको ऐसा कोई दमदार जिनके कहने से वो लोग यकीनन उनकी आ जाए उनके ढांचे में, ऐसा कुछ है ना? ऐसा अभी तक मैंने कोई इंडिया में, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में तो कोई ऐसा लीडर देखा नहीं, और देखा इंडिया में कुछ मतलब मनमोहन की और काम करने की क्षमता थी मोदी जी में, बट वो भी अभी मतलब धीरे धीरे रुझान का होता है। इमरान खान जिन पाकिस्तानी ने ऐसा कहा है प्रधानमंत्री ने कि पहले तो कह रहे थे वो नवाज शरीफ यू टर्न लेते हैं, अब खुद उन्होंने कहा कि यू टर्न लेना तो एक कला है। वो तो वही हो गया ना कि जब खुद भी आए ना तो सब उस चीज का फॉलो नहीं, बोलना आसान होता है, फॉलो करना थोड़ा मुश्किल होता है, और अगर निकलना हो तो बोला ये कला विकसित कर लेते हैं ना। राजनेता तो राजनीति किस बात की, जब बात बोल के पलट जाए वही राजनीति है, तो वो तो उनकी तो कला है, और रियल में उन्होंने सही बोला कि कला है वो। अच्छा, पुराने जमाने में एक कहावत थी कि जैसे कि 64 कलाएं, पता नहीं कितनी कितनी कलाएं बताते थे, कि आदमी को इन कलाओं में पारंगत होना चाहिए। बिल्कुल, जैसे कि उनमें एक चोरी कला भी है। मैं नहीं कह रहा चोरी करो, कहने का मतलब कि आदमी को क्या है कि एकांगी नहीं रहना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, उनको उसको जो है वो जैसे कि बहुत सी चीजें हैं उनका चोरी भी करना चाहिए, मैं मानता हूँ। जैसे मैं स्टूडेंटों में एक ईर्ष्या है, मैं बोलता हूँ हमेशा जलन होनी चाहिए, पर कैसी कि ये नहीं कि इसकी टांग खींच के पीछे ले कि मैं इससे आगे जा सकता हूँ। अब चोरी की बात करें तो चोर होना चाहिए आदमी, बट ये कि आप में क्या अच्छाइयां हैं, मैं उनको चोर सकता हूँ और फॉलो कर सकता हूँ, मतलब फॉलो करना और चोरी करना एक सेम सा वर्ड है, हेयर लाइन का फर्क है कि मैं कैसे इस चीजों को चुरा सकता हूँ। तो चुराने का मतलब ये कि आप किस चीज से आप गेन कर रहे हो, आपकी सक्सेस का सीक्रेट क्या है, वो मैं चोरी कर सकता हूँ। युद्ध कला है, युद्ध कला है, चित्रकला है, बिल्कुल है ना, संभाषण कला है, भाषण कला है ना, जैसे रूप बदलने वाली कला है। हाँ, बहुरूपी भी। हाँ हाँ, तो चलो आपने बहुत ही शालीन तरीके से और बहुत ही प्रभावी तरीके से अपनी बात रखी है। उम्मीद ये करूँगा कि जो पौध छोटी सी आपने लगाई है वो वटवृक्ष बने और लोग आपकी भावनाओं को समझे, लोग आपके साथ जुड़ते जाएं, और यूँ जो है बिल्कुल यही है कि अगर सब लोगों का साथ रहा, देखो मैं ना तो
इस अगर फील्ड संस्था की बात करें तो मैं ना तो आगे जा सकता ना पीछे जा सकता, मैं सिर्फ कर्म कर सकता हूँ मेरा। मैं इस बात का प्रोमिस करता हूँ और अपनी जो आपसे प्रोमिस कर रहा हूँ या जनता से या आप लोगों से सबसे जो प्रोमिस कर रहा हूँ वो ये है कि मैं जिस उम्मीद से आप अगर मेरे को कोई भी स्टूडेंट भेजोगे तो मैं उस उम्मीद पर खरा उतरूंगा, गुणवत्ता बनाए रखूंगा, मैं मेरा 100% दूंगा। बट आपको भी उस चीज़ का 100% देना पड़ेगा। हमेशा जैसे कोई आए तो बोला कि रिजल्ट आ जाएगा सर, मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, मैं मेरा 100% दूंगा। अगर स्टूडेंट 100% देगा तो श्योरिटी के साथ रिजल्ट आएगा, और अगर इसने 100% नहीं दिया तो इम्पॉसिबल है कि रिजल्ट आ जाए। चलिए बात खत्म करने से पहले दो छोटे छोटे सवाल हैं। ऐसा कोई सपना जिससे आप जीना चाहें, मतलब कि नहीं कर पाए कोई परिस्थिति वैसे जिस कि वो चीज़ मुझे बनना है, ऐसा कुछ करना है, ऐसा कोई सपना था आपका? नहीं, ऐसा तो कोई मेरा सपना नहीं था, बट कि मैंने जो सोचा और वो हुआ नहीं। हाँ, ऐसी बहुत सी चीज़ें जिनको मैं 100% नहीं अचीव कर पाया, 70% तक जाके मैं टक चुका हूँ। बहुत सी ऐसी चीज़ें लाइफ में हुई हैं, बट ये है कि मैं, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मैं जिद्दी हूँ, मैं जिद कर लेता हूँ कि जो सोच लिया किया जरूर है। हाँ, हो सकता है कि 100% ना अचीव। घूमने कहाँ कहाँ गए हैं? घूमने तो मैंने इंडिया के भी कम से कम 10-12 स्टेट देखे हैं। तो कौन सी जगह सुंदर लगी? सुंदरता की बात करें तो कश्मीर वैली अगर एक बार देखने के लिए जाएं तो बहुत अच्छी है, बट दिल्ली अगर रहना पड़े, मेरे को रहना पड़ा वहाँ पे कश्मीर में, तो थोड़ा मुश्किल होता है। उस बात को एक देश का फौजी समझ सकता है। एक टीस है ना जो दूर होनी चाहिए कभी। बिल्कुल। अच्छा, वह पुरुष जिससे आप कभी मिलना चाहें, पुरुष या औरत कोई भी? मिलना चाहें मतलब पर्सनल इंट्रोडक्शन कभी अगर मिलना आपका सौभाग्य हो, चलो मैं कभी बड़ा आदमी बन जाऊँ तो कभी आपको मिलाऊँ, ऐसे कुछ ऐसा कोई आदमी है आपकी जान से आप मिलना चाहें कभी? नहीं, अभी तो ये नहीं है, क्योंकि मैं इंस्पिरेशनल कोई बाबा कोई कोई राजनेता कोई ऐसा कोई है कोई फौज में? मैं ये चाहता हूँ कि मैं कुछ ऐसा काम करूँ कि लोग मेरे से मिलने के लिए। ये बात मैं भी कहता हूँ, क्योंकि मैं मोटिवेशनल एक एज ए इंस्ट्रक्टर हूँ, मोटिवेटर हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि कुछ ऐसा करें कि लोग अपने पास आए। लोग अपने पास आए, सही बात है। तो संदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए, और अगर समय मिला और यूं ही काम करते रहे तो फिर दोबारा आपका साथ साथ कर लेंगे, क्यों फिर दोबारा कभी मिलेंगे इस मोड पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। We'll be right back.